विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति के इस स्वाध्याय क्रम में हम ब्रह्म यज्ञ को लेकर के उसमें जो संदेश दिया गया है, हमारी जीवनचर्या किस प्रकार की हो और किस प्रकार से मनुष्य अपने परम लक्ष्य को पा सकता है, उसी निमित्त से वेदों में संविधान के रूप में, जैसे सृष्टि को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है, ऐसे ही वेदों में कुछ नियम वर्णित किए हैं। विधि और निषेध, ये दो बातें आती हैं। विधि क्या करना चाहिए और निषेध क्या नहीं करना चाहिए। तो विधि और निषेध के पक्ष को जब हम स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं, महाभाष्य में एक प्रसंग आता है कि हमें अच्छे अच्छे सात्विक और जो शिष्ट शब्द हैं, जो अच्छे लोग बोलते हैं व्यवहार में, उनको जानना चाहिए। उनके जानने से ज्ञान होता है, उनको जानेंगे तो ज्ञान होगा, लेकिन जो अपशब्द हैं उनको जानने से तो पाप लगेगा। तो कहा कि नहीं, जानने से पाप नहीं लगता है, उनको जब आप प्रयोग करते हैं किसी दूसरे को पीड़ित करने के लिए, उससे पाप लगता है। मतलब हमें विधि का पता होना जितना जरूरी है, निषेध का पता होना भी उतना, भले ही ना हो लेकिन कुछ अंश में निषेध का पता भी होना चाहिए। विधि क्या है? विधि है कि स्वादिष्ट सात्विक भोजन करना चाहिए, ये विधि है। निषेध क्या है? मांस नहीं खाना चाहिए। और यदि व्यक्ति को निषेध पक्ष का पता नहीं होगा तो संभावनाएं हैं कि वो उधर प्रवृत्त हो जाए। यहां कोई ऐसा नहीं है कि मांस खाना खा करके फिर उसके जो साइड इफेक्ट होते हैं उसको देखना, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। निषेध पक्ष क्या होता है? अच्छा भोजन करना चाहिए, फलों का जूस पीना चाहिए, फल खाने चाहिए, बीड़ी नहीं पीनी चाहिए, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, ये निषेध है। विधि है, अच्छे अच्छे भोजनों का सेवन करो, व्यंजनों का सेवन करो, फलों का सेवन करो, उसके जूस पियो, ये विधि है। निषेध क्या है? गलत कर्म मत करो, बीड़ी सिगरेट तंबाकू का सेवन मत करो, शराब मत पियो, ये निषेध है। तो निषेध का तात्पर्य ये नहीं है कि निषेध कहा तो फिर उसको पी करके देखें फिर मना करें ना। जब हमारे बड़ों ने ये बता दिया कि ये कार्य नहीं करना है, ये गलत कार्य है, बड़े कौन? जो ज्ञानी है, तो उस कार्य को स्वयं अनुभव करके देखना फिर करना ये उचित नहीं है। एक गुरु जी थे, उनकी अवस्था थी 50 वर्ष, और एक शिष्य था, शिष्य की अवस्था थी 25 वर्ष। गुरु जी का किसी विषय का अनुभव रहा 20-22 वर्ष का। गुरु जी ने अपना 20 सालों का अनुभव शिष्य को दिया। शिष्य को 1 वर्ष हुआ था पढ़ते हुए, तो शिष्य से किसी ने पूछा कि अमुक विषय में, जो उनके गुरु जी ने उनको बताया था, कि इस विषय में आपका अनुभव कितना है? तो उस छात्र ने कहा 1 वर्ष, चूंकि उसको गुरुकुल में आए हुए 1 वर्ष हुआ था। तब उनके गुरु जी ने कहा कि बेटा, आपका जो अनुभव है 1 वर्ष का नहीं है, मेरे 20 वर्षों का अनुभव भी तो इसमें जुड़ गया है। मैंने जो आपको ज्ञान दिया है वो ज्ञान 1 वर्ष का नहीं है। 1 वर्ष के ज्ञान में तो मुझे ही ज्ञान नहीं था इस विषय का, मैंने तो अपने 20 वर्षों का अनुभव जोड़ दिया आपके 1 वर्ष में, आपका ज्ञान तो 21 वर्ष का हो गया। ये होते हैं गुरु, इसे कहते हैं ज्ञान। तो जो विधि होती है, विधि तो जुड़ती जाती है, और निषेध हमें विधि से हटने नहीं देता है। अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा,
और बुरे कर्म करेंगे तो नरक मिलेगा। अब ये निषेध पक्ष हो गया कि गलत कर्म नहीं करने चाहिए। तो जितना विधि का महत्व है उतना ही निषेध का भी महत्व है। और जो विधि को भी ना माने और निषेध को भी ना माने तो फिर तो जीवन नारकीय जीवन हुआ उसका, फिर तो इस जन्म मरण के चक्कर में चक्कर खाते ही रहो, और चक्कर खाकर तो व्यक्ति खड़ा नहीं रह पाता, गिर जाता है। जब लगातार चक्कर खाते रहेंगे तो फिर एक बार गिर जाएंगे, उठने की भी सामर्थ्य नहीं होगी, और फिर इस भव बंधन से पार जाना तो बहुत दूर की बात है। तो ये जो वैदिक संस्कृति के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, जो ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत जो मंत्र आते हैं, वेदों में जो लिखे होते हैं उनको मंत्र कहते हैं। अन्य जो साहित्यिक आदि ग्रंथों में होते हैं उनको श्लोक बोल देते हैं। तो मंत्रों में आज बहुत ही विशेष मंत्र है गायत्री मंत्र, जिससे हम सभी परिचित हैं ही, पूर्व में भी हमने इसका अध्ययन किया है। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, प्राणों से प्यारा परमात्मा का निज नाम है ओम, जो विराट है, जो हिरण्यगर्भ है, जो तेजस है, जो ज्ञान स्वरूप है स्वयं। तो कहा वो कैसा है ओंकार परमात्मा, ओम भूर भू, वो प्राणों से प्यारा है, भू प्राणों से प्यारा। इस विषय को यदि हम ठीक ठीक समझ ले कि प्राणों से प्यारा कैसे होता है, परमेश्वर प्राणों से प्यारा कैसे होता है, अगर ये बात हमारी ठीक ठीक बुद्धि में बैठ जाए तो हमारे प्रतिदिन की क्रिया ईश्वर को समर्पित हो जाएगी। आप में से बहुत सारे भाई सेवा कार्यों में लगे रहते हैं, तो आपके द्वारा की गई सेवा का एक एक कर्म ईश्वर समर्पित बुद्धि से होगा। यदि आपको यह बात समझ में आ जाए कि ईश्वर तो प्राणों से भी प्यारा है, किसके प्राणों से प्यारा है, हमारे अपने स्वयं के ईश्वर। दो वस्तुएं हमारे सामने रखी है, दो वस्तुएं, एक गिलास में मान लीजिए दूध रखा है और दूसरे गिलास में पानी है, उसमें भी मिट्टी डाली हुई है, पीने योग्य भी नहीं है। फिर कहा जाए कि इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है, किसका चुनाव करेंगे आप, सीधी सी बात है दूध का गिलास चुनेंगे। मान लीजिए सामने चीनी रख दी जाए और एक तरफ शुद्ध ऑर्गेनिक तरीके से गुड़ की बना करके कोई विशेष मिठाई रख दी जाए, व्यंजन रख दिया जाए, फिर आपसे कहा जाए आप इसमें से किसका चुनाव करेंगे, तो जो ऑर्गेनिक शुद्ध तरीके से गुड़ की विशेष मिठाई बनाई गई है उसका चुनाव करेंगे, उसको खाएंगे। माने जब भी दो चीजें होती हैं तो हम उसमें से श्रेष्ठ का चुनाव करते हैं। तो ईश्वर के और प्राणों के विषय में क्या कहा, ईश्वर प्राणों से भी प्यारा है। यदि प्राण और ईश्वर में से किसी एक को चुनना पड़े तो ईश्वर को चुनना चाहिए। यह गायत्री मंत्र के पहले ही अक्षर का अर्थ है ओम भू, प्राणों से प्यारा। अब आप देखिए कि हमारे जीवन में जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, जितनी भी गतिविधियां होती हैं, जो भी गतिविधि हम करते हैं उसमें ऐसी गतिविधि कितनी है जो हम इतने प्रेम से करते हैं। प्राणों से प्यारा का तात्पर्य केवल इतना ही नहीं है कि प्राण देकर ही परमात्मा को पाना, ऐसा नहीं है। प्राण रहेंगे नहीं तो पाओगे कैसे, साधन ही नहीं रहेगा तो साध्य मिलेगा कैसे। तो समझना होगा यहां कोई ये वेद मंत्र आपके प्राण लेने के लिए नहीं, ईश्वर ने बनाया, ये भगवान जी ने जो ज्ञान दिया है वेद मंत्रों के माध्यम से मनुष्य के प्राण लेने के लिए नहीं, उसके प्राणों को सशक्त बनाने के लिए किया है, ताकि प्राण साधन का प्रयोग करके वो उस ईश्वर को पा सके। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कुछ लोग इसका अर्थ ऐसे करते हैं कि गुरु और गोविंद, कि भगवान
और गुरुजन दोनों सामने खड़े हैं, तो प्रश्न उठा कि किसके पैर छुए जाकर के। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि तो हमें गुरुजी के पैर छू लेने चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने ही ये बताया कि गोविंद बड़े। इसका ये अर्थ नहीं है। अर्थ ये है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, गुरु और भगवान दोनों ही खड़े हैं सामने। बच्चे के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, चूंकि गुरु भी बड़े हैं और भगवान भी बड़े हैं, तो मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि अब दोनों में से किसके पैर छुए। तो कहा बलिहारी गुरु, आपने बलिहारी गुरु, गुरु जी के हम बड़े कृतज्ञ हैं, गुरु जी का हम बारम्बार धन्यवाद करते हैं। क्यों? बलिहारी गुरु, आपने गोविंद दियो बताए कि दोनों में से किसके पैर छूने। तो गुरु जी ने कहा कि गोविंद के छू, परमात्मा के छू। ये अर्थ है कि बलिहारी गुरु आपने, गुरु जी हम आपके बड़े कृतज्ञ हैं, गुरु जी के हम बड़े ही कहते हैं ना कि बस ज्ञान के चक्षु खोल दिए गुरु जी ने हमारे, इस भाव में कृतज्ञता का भाव रखते हैं गुरुजनों के प्रति। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि गोविंद बड़े हैं, गोविंद के पैर छू पहले। ये अर्थ है। पर महात्म्य की दृष्टि से गुरुजन को बड़ा क्यों बताया गया है? कि गुरुजी ना होते तो पता कैसे चलता कि पैर छूने किसके हैं। ये महत्व है गुरुजनों का। गुरुजन हमें श्रेष्ठ मार्ग का अवलंबन करके उसको दिखाते हैं, उस पर चलाते हैं, मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये गुरु का महत्व है। कोई गुरु जी ऐसे थोड़ी कहेंगे कि भगवान जी भी खड़े हो और गुरु जी भी हो तो वो कहेंगे नहीं मेरे पैर छू, ऐसे नहीं। वो कृतज्ञता का भाव एक अलग भाव है, श्लोक का अर्थ एक अलग अर्थ है। श्लोक का अर्थ तो शब्द क्या कह रहे हैं, शब्द कहते हैं कि दोनों में से भगवान जी बड़े, तो गुरु जी ने कहा कि बड़ों के पैर छू। लेकिन जो भाव प्रधान बात है वो गुरुजनों के प्रति जो कृतज्ञता का भाव है ना, वो विशेष बात है। इसलिए कहा बलिहारी गुरु आपने, हे गुरुदेव मैं तो आपके ऊपर बलिहारी जाऊं, मैं तो आपके ऊपर न्योछावर हो जाऊं, हे गुरुदेव आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। ये भाव है। तो गुरुजन हमें श्रेष्ठ मार्ग का अनुकरण कराते हैं, आचरण स्वयं करके हमें करना सिखाते हैं। तो गायत्री मंत्र के जो पहले अर्थ में ओम भूः प्राणों से भी प्यारा है, प्राणों का भी प्राण है, ऐसे कहा, जो उन प्राणों को भी प्राण बनाए हुए है। प्राणों से प्यारा ही तो एक विशेषण है, और दूसरा प्राणों का भी प्राण, जैसे प्राण हमारे शरीर को गति दे रहे हैं ऐसे प्राणों को भी जो गति दे रहा है वो है प्राणों का प्राण परमात्मा, जिसके होने से प्राण प्राण है, जिसके होने से आंख आंख है, जिसके होने से चक्षु इंद्रिया है, जिसके होने से वाणी वाणी है, जिसके होने से श्रोत्र श्रोत्र है, जिसके होने से त्वक त्वक है। इंद्रियों की बात कर रहा हूं। तो ईश्वरीय सत्ता इस समष्टि से चली जाए तो मिट्टी का ढेर है, चेतन शक्ति शरीर से निकल जाए कुछ नहीं बचता, थोड़ी सी राख थोड़ी सी अस्थियां, बस जीवन समाप्त। कितना ही जोड़ते रहो, जब किसी के अंतिम संस्कार में जाते हैं और अंतिम संस्कार के बाद में दो या तीन दिन बाद अस्थियां चुनने का कार्य होता है, एकत्रित करते हैं अस्थियां, तो किसी ने कान में कुंडल पहने हुए हो तो अस्थियां ढूंढते समय कुंडल हाथ में आता है, किसी ने नाक में कोई फूल पहना हुआ, नाक में कुछ पहनते हैं चांदी का या सोने का, वो हाथ में आता है, किसी ने कोई बड़ी अच्छी अंगूठी पहनी हुई हो वो अंगूठी मिल जाती है, सब चला जाता है, सब अपने अपने तत्वों में पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, और यहाँ की चीज सोना चांदी संपत्ति सब यहीं की यहीं रह जाती है, कुछ भी तो नहीं जाता। जो भौतिक संपत्ति क्या जाता है साथ में? साथ में जाते हैं हमारे अच्छे कर्म, उनके संस्कार। इसलिए दो बातें विशेष हैं,
मनुष्य को अपने जीवन में संसार में किए गए कार्यों में यह देखना चाहिए कि किसी के प्रति हमारी भावना बुरी तो नहीं हो रही है, किसी का हमारे करने से किसी की हानि तो नहीं हो रही है, वास्तविक अर्थों में हानि। आप पुलिस सोचे कि मेरे रात में राउंड लगाने से चोर चोरी नहीं कर पा रहा है तो चोरी की हानि हो गई, वो तो करनी ही है, वो विधि का हिस्सा नहीं है। पुलिस वाले ये सोचकर दुखी हो जाएं कि देखो हम बार बार आ जा रहे हैं तो चोर चोरी नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी हानि हो रही है, वो तो करनी है, उसको तो पकड़ कर डंडे मार करके जेल में डालना है चोर को। यहां बात विधि की चल रही है, विधि क्या होती है, किसी सज्जन पुरुष का हृदय दुखी ना हो, विधि की पालना सुनिश्चित होनी चाहिए। एक बात तो ये कि हमारे किए गए कार्य से किसी का हृदय दुखी ना हो, किसी प्राणी को पीड़ा न पहुंचे। कुछ लोग तो अपना पेट भरने के लिए जीव को मार कर खा जाते हैं, आप सोच कर देखो, अपना तो केवल पेट भरना है एक टाइम का और एक के प्राण ले लिए, कितने क्रूर हैं वो लोग। और इस बात को सोच करके समझ करके जान करके भी जानना नहीं चाहते हैं। हमें तो सुबह भी भोजन करना है, दोपहर को भी करना है, शाम को भी करना है, और दिन में एक बार भी करते हैं तो भी करना है, रोज करना है। तो रोज इतने जीवों के प्राण लेते रहे, किसने अधिकार दे दिया? ये घनघोर नारकीय जीवन जीना पड़ता है उन लोगों को। अपने प्राण तो इतने प्यारे कि उसके लिए रोज भोजन, दो दो तीन तीन बार भोजन, और दूसरे के प्राणों को नष्ट करके उसके मांस को खाना कितने बड़े पाप का काम है। अपने तो एक कांटा भी चुभ जाए तो जान निकल जाती है, डॉक्टर याद आते हैं, और दूसरे की गर्दन पे छुरा रखकर काट देते हैं। मनुष्य इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है? ईश्वर के साथ सामीप्य स्थापित करने की घनघोर आवश्यकता है, क्योंकि परमात्मा का एक स्वरूप है करुणा का, दया का। और जिससे अनजाने में कुछ गलतियां हो भी गई हैं, आगे से तो रुक जाओ, जो कर्म आपने बिगाड़ दिए हैं, जो कर्म खराब कर दिए हैं, उसको आगे तो सुधार लो। जो हो गया हो गया, अब ज्यादा सोच सोच कर दुखी नहीं होना, लेकिन आगे सुधरो तब है ये बात। दो दिन के लिए भूल गए, तीसरे दिन फिर शुरू वही कार्य, कुछ नहीं। प्राणों के भी प्राण है वो परमात्मा, हमारा क्या सामर्थ्य हम किसी के प्राणों को ले लें? वो प्राण देने वाले परमपिता परमात्मा, हम उनकी अवहेलना करते हैं जब हम ऐसा कर्म करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं जी नहीं, उसका जीवन इतना था। अरे जीवन कितना भी था, आपको किसने अधिकारी बना दिया उसके प्राण लेने का? आपको कहेंगे कि नहीं उसके कर्मों का फल है, तो कर्मों का फल उसको जैसे मिलेगा मिलेगा, आपको किसने कहा कि आप कर्मों का फल दो उसको? एक कक्षा में गुरुजी हिंदी पढ़ाते हैं, उनके पास गलती से फिजिक्स की कॉपी आ गई चेक करने के लिए, तो क्या करेंगे गुरुजी? लौटाएंगे? गुरुजी जाएंगे, गुरुजी कहेंगे कि हमारे पास ये, हम तो हिंदी का विषय पढ़ाते हैं, हमारे पास फिजिक्स की कॉपी आ गई जी, हमें हिंदी की कॉपी दो। एक सामान्य स्तर पर एक सामान्य शिक्षक भी अपने विषय को छोड़कर जिस विषय को वो नहीं जानता है उस विषय की कॉपी भी चेक नहीं करता है। और किस विषय की कॉपी चेक करता है, किस विषय में अंक देता है? जिसको वो ठीक ठीक जानता है। सामान्य लोक व्यवहार में भी कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य का फल नहीं दे सकता है, लेकिन मनुष्य पता नहीं क्या उसने ठेका ले लिया, वो सबके कर्मों का फल अपने आप ही देने पे लगा हुआ है। गाय भैंस मुर्गा बकरा कटरा सब काट काट के मार मार के खा जाता है, कहता सबका फल वो खुद दे देता है कि ये तो बने खाने के लिए। अरे ये प्राण लेने का अधिकार दिया किसने? जब आपको यही नहीं पता कि इनके कर्मों का फल क्या है, आप इनके कर्मों के विषय में जानते नहीं हो, इन्होंने क्या कर्म किए हैं क्या नहीं किए हैं, आप फल देने वाले होते कौन? और आप दे ही नहीं सकते फल। सीधा संविधान है, जो ठीक ठीक कर्म को जानता है वही उसका फल दे सकता है।
जब साधारण रूप से लोक में यह बात घटित है तो आध्यात्मिक संदर्भ में तो बहुत बड़े स्तर पर घटित है। एक व्यक्ति सड़क पर चले जा रहा है, बाई साइड को जा रहा है, बाइक पे जा रहा है, हेलमेट भी लगाया हुआ है, बिल्कुल सुरक्षित, स्पीड भी 40 से 45 की है, और दूसरी दिशा से एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पे आ रहा है, उसने हेलमेट भी नहीं लगाया हुआ है, स्पीड भी 80-90 की, ऊपर से शराब पी हुई है, गाड़ी अनियंत्रित है, और ला करके जो व्यक्ति ठीक ठीक गाड़ी चला रहा था ला करके उसके टक्कर मार दी। टक्कर ऐसे मारी कि उसका बेचारे का पैर टूट गया, जो अपनी सड़क पे ठीक ठीक जा रहा था, हेलमेट लगा रखा था जिस, और गाड़ी भी 40 की स्पीड से ही चला रहा था। पास से दो लोग और जा रहे थे निकल करके, तो वो जिसका पैर टूटा वो उससे कह रहा था कि भाई आपने पैर तोड़ दिया, देखो गलत काम किया। तो वो दो लोग कहते हैं भाई गलत क्या है, तेरे कर्मों का फल था, मिल गया। अरे उसके कर्मों का फल वो शराबी व्यक्ति देगा जो खुद नियमों में नहीं चलता है, जिसको उसके विषय में पता ही नहीं, जो जानता ही नहीं उसको एक बार भी, कोई धूल में लठ वाला काम है क्या कर्म का फल देना? क्या भगवान जी ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि कोई भी शराबी कबाबी कोई कैसा व्यक्ति किसी को कुछ भी फल दे दे? ये बहुत विशेष बात है, समझने की बात है। हमारे कर्मों का फल कोई भी सड़क चलता व्यक्ति नहीं दे सकता है, ये काम परमपिता परमात्मा का है, वो देंगे फल, वो जानते हैं हमारे कर्मों को। या वो लोग कर्मों का फल दे सकते हैं जो कर्मों के विषय में ठीक ठीक जानते हो। कोई भी चलता फिरता व्यक्ति कर्मों का फल दे देगा क्या? ऐसे कैसे संभव है? एक कॉपी तो दूसरा सब्जेक्ट का टीचर चेक नहीं कर सकता है, वो कहेगा मुझे ज्ञान नहीं। तो कर्मफल की व्यवस्था जो इतनी विचित्र है, इतनी विराट है, इतनी विशाल है, उसको कोई भी कैसे भी दे सकता है क्या? नहीं, उसकी एक व्यवस्था है, ईश्वर वो व्यवस्था करते हैं। तो विषय चल रहा है प्राणों से प्यारा, प्राणों का भी प्राण, हमें कोई अधिकार नहीं है किसी के प्राण लेने का। क्यों? क्योंकि हम प्राण दे ही नहीं सकते, क्योंकि प्राणों के भी प्राण है परमात्मा। ये परमात्मा का विशेषण दिया, ओम भू, वो प्राणों के भी प्राण है, प्राणों को उत्पन्न करने वाले हैं, प्राणों को संचालित करने वाले हैं। प्राण जिस प्रकार से हमारे शरीर को संचालित करता है, ऐसे उस प्राण तत्व के भी प्राण तत्व हैं परमात्मा। परमात्मा के अतिरिक्त और किसको अधिकार हो सकता है किसी के प्राण लेने का? ये वेद मंत्र ओम भू ये कहता है। और प्रेम इतना हो हमारे कर्मों में ईश्वर के प्रति कि प्राण देकर भी ईश्वर को याद किया जाए। प्राण देकर का मतलब अत्यंत सर्वोच्च वरीयता देना, समस्त कार्यों से ज्यादा वरीयता उस ईश्वरीय कार्यों को देना। व्यक्ति है, 1000 काम गिनवा देंगे, हम तो वहां व्यस्त थे, हम तो कपड़े धो रहे थे, हम तो कमरा साफ कर रहे थे, हम तो वहां चले गए, हम तो यहां चले गए, हम तो बड़े बिजी हैं। और कुछ ना होगा तो कहेंगे कि हम तो पढ़ रहे थे, 24 घंटे में जो भगवान जी के लिए समय निकाला हुआ है, 10-20-15 घंटे, आधा घंटा, 10-20 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट, जो ईश्वर की संध्या उपासना के लिए निकाला हुआ है विशेष रूप से, उन 24 घंटों में से उस आधे घंटे में सारे काम होते हैं। ये हमने बहाने बना लिए बचने के, और आज तो आप बच रहे हो भगवान जी से। जब भगवान जी कर्म का फल देंगे तो पीछे पीछे पड़ोगे कि भगवान जी माफ कर दो, फिर भगवान जी बचेंगे साइड से, चल बेटा लाइन में लग, अब याद मत कर, फिर रोओगे, दुख पाओगे। तो इसलिए प्रतिपल ईश्वर का चिंतन करते रहें, और जो विशेष समय निर्धारित करते हैं हम संध्या का यज्ञ का, वो विशेष करें, क्योंकि ईश्वर प्राणों के भी प्राण है, वो बहुत बड़ी शक्ति है, वो प्राणों से भी प्यारे हैं। मनुष्य सब कुछ करता है जीवन यापन के लिए, जीवन चलता रहे, और वो उस जीवन को देने वाले उनके लिए इतना तो बनता ही है कि आधा घंटा, 45 मिनट तो दिन में एक बार, दो बार बैठे तो अच्छी बात है कि 1 घंटा सुबह शाम, लेकिन एक बार भी बैठना तो शुरू करें श्रद्धा से। तो चलिए इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे, आज के लिए इतना ही काफी है। ओ...
शांति ही शांति ही शांति ही। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।